उपचुनाव में हुई करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। इसी कड़ी में आस्था में हुई राय शुमारी में पर्यवेक्षकों के सामने दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी जताई। देखिए एक खास रिपोर्ट। आस्था नगरपालिका अध्यक्ष पार्षद पद के दावेदारों ने बुधवार को पर्यवेक्षकों के सामने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। रायशुमारी स्थल पर कोई रैली के रूप में तो कोई जुलूस के रूप में पहुंचा। बताया जा रहा है कि रायशुमारी स्थल पर बंद कमरे में बैठे पर्यवेक्षकों को अध्यक्ष पद और पार्षद पद के दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन नारेबाजी कर दावेदारी जताई। इधर मीडिया से चर्चा में पर्यवेक्षक केदार सिंह मेवाड़ा ने रायशुमारी की जानकारी देते हुए अध्यक्ष पद के लिए नाम भी साझा किए। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम ने मीटिंग लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। पहले तो बता दूं कि पर्यवेक्षक हम पहले कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक बनाती थी, उसे एक दिन आते थे और अपनी राय शुमारी करके चले जाते हैं, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने इस बार प्रभारी बनाया, प्रभारी के साथ महिलाओं को सह प्रभारी बनाया पूरे मध्य प्रदेश में। और आज हमारी राय शुमारी में अध्यक्ष पद के लिए 6 नाम आए, एक राखी पत्नी सुरेंद्र वर्मा जी, फौजिया पत्नी जाहिद जी, परवीन पत्नी हितेश मंसूरी, नीलम पत्नी राधेश्याम सोनी, रानू पत्नी मनीष खत्री और निर्मला पत्नी नामदेव, ये 6 नाम अध्यक्ष के लिए आए। और पार्षद के लिए भी हमने सब जानकारी पूरी जुटा रहे, पूरे आए हैं और भी आने वाले हैं, तो आज हम और बाद में भी नाम दे सकते हैं। मतलब आज जो नहीं आ पाए हैं हमारे जो प्रत्याशी हैं पार्षद के वार्ड मेंबर के हों या अध्यक्ष के हों, उनके बाद में हम आ गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टिकट तो कोई भी मांग सकता है, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। इस बार 80% युवाओं को मौका दिया जाएगा। इस बार कमलनाथ जी ने सारे प्रभारी मंत्रियों सह प्रभारी मंत्रियों की मीटिंग ली थी, उसमें स्पष्ट निर्देश दिए कि हम यही सहमति से अध्यक्ष का और पार्षद का सबका निराकरण यही कर रहे हैं। टिकट तो कोई मांग सकता है, 3-3 बार भी ले सकता है, 4-4 भी, जो अच्छा काम करता है 4 बार भी ले सकता है, लेकिन कमलनाथ जी ने बोला कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। उस हिसाब से हम पूरी रिपोर्ट माननीय कमलनाथ जी को सौंपे। 80% लोगों को, युवाओं को मौका देने का माननीय अध्यक्ष मोदी ने हमसे आदेश दिया है। और हम सर्वे के आधार पर अगर हमारा युवा अच्छा साथी है और अच्छा काम कर रहा है, पार्टी के संगठन काम मजबूती से कर रहा है, हमेशा पार्टी के साथ कंधे से कंधे लगा के काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका नाम हम लेंगे। बहरहाल देखा जाए तो आगामी चुनाव से पहले ही अध्यक्ष व पार्षद पद के लिए दावेदार अपनी अपनी दावेदारी दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, आस्था।